हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में गाइस टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। कल की डिप के बाद भी ट्रेंड पॉजिटिव था, बट किसी ने भी अगर उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग पोजिशन बनाई तो काफी ज्यादा बढ़िया पोजिशन में बैठा है। और इन स्तरों पर भी बाय करके जाना चाहिए, या फिर जिसके पास पोजीशन है उसके लिए क्या हो सकते हैं टारगेट, या फिर अभी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक बढ़ गया तो क्या होंगे बेस्ट लेवल्स बाइंग के लिए, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। और जिस ट्रेंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रेंड का नाम है सुपर ट्रेंड। इस सुपर ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, एक स्मॉल ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ। एक सुपर ट्रेंड ऐसा ट्रेंड इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड बताता है, जैसे कि इसके नाम में ही है ट्रेंड, सुपर ट्रेंड। ये आपको स्टॉक का ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये होता है सुपर ट्रेंड का काम। तो गाइज इसमें डेली कैंडल पे सुपर ट्रेंड जो है पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। 3 दिन पहले जिस दिन मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी और अभी भी पॉजिटिव है और अब काफी बढ़िया रिटर्न्स भी दे रहा है उस हिसाब से, जो कि सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर किसी ने बाय कराया तो वो पॉजिटिवली बैठा हुआ है अभी। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज गैप अप खुलाए गाइज, इनफैक्ट नीचे खुला लेकिन जो शार्प तेजी आई है स्टार्टिंग में ही 5 मिनट में ही आ गई, स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। तो ऐसे में क्या होगी मेरी राय आपके लिए, या फिर बाय करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो क्या होंगे बेस्ट लेवल्स। चलिए गाइस वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखने वाली बात है, अभी बज रहे हैं 10:16, यानी मार्केट खुली हुई करेक्ट 1 घंटा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि वॉल्यूम्स। गाइस एवरेज वॉल्यूम 29 मिलियन के, लेकिन शुरू के 1 घंटे में ही स्टॉक में 14 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, यानी कि टोटल के आधे शुरुआत के 1 घंटे में ही हो गए हैं और स्टॉक करीब करीब 2.5% तेज है। स्टॉक गाइस जहां पे खुला वही इसका ओपन और हाई दोनों, सॉरी जहां खुला वही इसका लो है, और ओपन और लो जब सेम होता है तो क्या एक बाय इंडिकेटर बन जाता है इंट्राडे में, ना कि पोजिशनली। ओपन और लो अगर सेम हो तो बाय इंडिकेटर है, 5 मिनट तक अगर सपोर्ट कर ले तो उसके एसएल के साथ आप बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। ओपन और हाई सेम हो तो आप इंट्राडे में 5 मिनट तक ओपन और हाई अगर सेम रहा, उस स्टॉक को ब्रेक नहीं कर रहा है हाई को, तो आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ये हमेशा इंट्राडे वालों के लिए, इंट्राडे ट्रेडर को याद रखना है। ये भी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा काम करता है स्टॉप लॉस के तरीके से, आपको स्टॉप लॉस एक प्रॉपर मिलता है। देखिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स 303 पे ओपन हुआ, 313-314 तक शेयर चला गया, थोड़ी सी नीचे आया है, मतलब मूवमेंट ही बोल सकते हैं उसे, नीचे तो गया, 310 पे सेटल होता हुआ दिख रहा है अभी। अब क्या करना चाहिए, देखिए सुपर ट्रेंड जो है पॉजिटिव हुआ था 298 के ऊपर, अभी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है और ये ट्रेंड डेली कैंडल पे देख रहा हूं मैं, आवरली कैंडल पे भी अभी पॉजिटिव हो गया, आई थिंक डेली कैंडल पे पॉजिटिव है, वीकली कैंडल पे भी शायद पॉजिटिव, वीकली कैंडल मैंने चेक नहीं करी है एक्चुअली इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं उसे हटा देता हूं, लेकिन डेली और आवरली कैंडल पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है ये सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। इस शेयर में गाइज मेरे हिसाब से बाय बनता है और आपका जो टारगेट ऊपर के जिसके पास पोजीशन है वो तो बने रहे, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी ना बनाए। देखिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके लिए मुझे लगता है 315 तक स्टॉक इंट्राडे में दोबारा से अपमूव दे सकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं टायर स्पेस एक्टिव है, ऑटो सेक्टर भी कहीं ना कहीं चलता हुआ दिख रहा है फोर व्हीलर में, जैसे कि आप M&M, मारुति, ये कहीं ना कहीं आपको तेज दिख रहे हैं, उसी के साथ टाटा मोटर्स भी कहीं ना कहीं लीड करता हुआ दिख रहा है इस रैली को ऑटो में फोर व्हीलर्स की। तो आपको पोजीशन में बने रहना है, अभी निकलने की जल्दबाजी ना करें या ये भी ना देखें कि ऊपर से नीचे आ गई है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे 315 मिले तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज है US फेड की मीटिंग, टेम्परिंग के बारे में बात होनी है, अगर कुछ भी दिक्कत आई तो मार्केट कल के दिन धड़ाम हो सकती है, और अभी सेफ जोन में प्ले करने का एक अच्छा तरीका यह है अगर आप प्रॉफिट में बैठे तो अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करें। देखो ऊपर चला जाएगा कोई ना कोई स्टॉक आपको मिल जाएगा बाय करने के लिए, लेकिन अगर आप पोजीशन में बने रहे और स्टॉक नीचे आ गया तो आप फंस जाएंगे। देखिए मार्केट में अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास पैसा है तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप ट्रेडर हैं और आपकी पोजीशन फंस गई तो आप फंस चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है ना कि पब्लिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ही, टाटा मोटर्स 315 पे बेच दिया, अभी मान लो अगले दिन 320 पे खुला तो बहुत ज़्यादा मतलब सैड, दिक्कत, परेशानी, मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार शिट बेच दिया। लेकिन आप ये देखो आपके पास पैसा है, अभी 5 पॉइंट टाटा मोटर्स के छोड़ दो, आगे देखो यार इतनी लंबी लिस्ट है मार्केट में, कहीं भी आप 5
पॉइंट छोड़े या 5% के लिए आपको स्टॉक मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर आप टाटा मोटर्स नहीं बेचेंगे कि यार 320 हो सकता है, गलती से 320 की जगह 310 हो गया, आपका पैसा भी फंस गया, आपका प्रॉफिट भी रुक गया, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो आप फिर मार्केट को देखेंगे नहीं, तो आप छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी टाटा मोटर्स 310 के पास चल रहा है, फ्रेश एंट्री 302 के पास बनाने की सलाह होगी, क्योंकि सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है वो 288 पे नेगेटिव होगा, और डेली कैंडल पे अगर 288 जब ब्रेक करेगा तब नेगेटिव होगा। 288 का एसएल के साथ आप बाय बना के रख सकते हैं, लेकिन कहाँ पे 300, 302, 301 के पास, क्योंकि वहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड सेम आ जाएगा। यहाँ पे बाय करने का मेरे को नहीं लगता, इसमें पोजिशनली तंगड़ी तरीके से तेजी कब आएगी टाटा मोटर्स में, देखिए तंगड़ी तरीके से तेजी आएगी 325 के ऊपर, 325 के ऊपर शेयर क्लोजिंग दे देता है तो शेयर रॉकेट हो जाएगा, अपने जो 52 भी खाई है वो टेस्ट करता हुआ दिखेगा, आपको पक्का बाय बनाना है। 325 के ऊपर निकलते ही, क्लोजिंग मिलते ही बाय करना है स्टॉक को, जब तक 325 के नीचे तब तक ट्रेडिंग के तरीके से ऊपर नीचे बेचते चले। ये मेरी वीडियो टाटा मोटर्स शेयर पे, वो आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें थी, जितने भी लेवल्स और टारगेट्स थे, वो सारे मेरा पर्सनल व्यू है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं तो एक बार खुद भी जरूर चेक करें, प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसी के बाद कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।